दोस्तों वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में भी हम लोग भूमिका क्या लिखेंगे और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में लूथर, काल्विन और ज्वेंगली की क्या भूमिका रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग चर्चा करेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव या परिणाम क्या रहे थे। तो हम लोग चलते हैं आज के वीडियो में, भूमिका देखते हैं और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण रहे थे। तो आप लोग भूमिका भी देखिएगा। जब तो 16वीं शताब्दी में हुए धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में पुनर्जागरण का ही एक अंश माने जा सकते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण में आप देखेंगे 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य पुनर्जागरण हुआ। उसी समय मध्य काल की रूढ़िवादिता टूटी और मध्य वर्ग के रूढ़िवादिता टूटने के कारण उसी समय देखिएगा कि नए नए भौगोलिक मार्गों की खोज हुई, नए नए उस समय आविष्कार हुए, नए नए क्षेत्रों की खोज हुआ, जलमार्ग की खोज हुआ और उसी के कारण क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ। जो सामंतवादी प्रथा थी वो टूटने लगी। सामंत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो भी बौद्धिक मान्यता थे वो मध्यकाल के मान्यता टूट गए, किंतु धर्म और चर्च का प्रभाव ज्यों और त्यों बना रहा। वही मध्य वर्ग और वाणिज्य व्यापार के उदय राष्ट्रीय राज्यों के जो उत्कर्ष और एक तर्क पे आधारित विस्तार हुआ, उसी कारण धर्म और चर्च में जो भी सुधारवादी परिवर्तन हो हुए वो आवश्यक हो गए और वही सुधारवादी परिवर्तन आवश्यक हुए जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ। फिर देखिए जो भी धार्मिक कुरीतियां थी उसे जनसाधारण वर्ग और स्वयं पादरी वर्ग में भी एक असंतोष की भावना थी। वही पादरी वर्ग में असंतोष की भावना और जनसाधारण में असंतोष की भावना के कारण ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अब हम लोग देखेंगे भूमिका। भूमिका भी आप लोग देखिएगा कि चार भागों में बांट दिया हूं। सबसे पहले तो राजनीतिक कारण हो गया, दूसरा नैतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया और आर्थिक कारण हो गया। तो हम लोग पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण हो गया। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन मुख्य रूप से दो प्रकार के कारकों का प्रतिफल था। पहला तो उत्तरी यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था, वहीं निरंकुश राजतंत्र का उदय भी हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। फिर देखिएगा राष्ट्रीय चेतना का उदय स्पष्ट रूप से निरंकुश राजतंत्र के उदय के साथ ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखिएगा राज के दैवीय उत्पत्ति के अनुसार राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, जबकि पोप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वोच्च था। जो राजा था वो ईश्वर प्रदत्त अपने को घोषित करता था, ठीक है, और जबकि पोप क्या था, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार था। दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था क्योंकि राज उस समय क्या था, व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, नए नए व्यापारिक मार्ग खुल रहे थे, तो उन लोग को सेफ्टी के लिए या उन लोग के एक केंद्रीय शासन की आवश्यकता थी ताकि व्यापार वर्ग को आगे बढ़ाएं और एक रक्षा कर सके। तो राजा क्या करते थे, उनका नजर पोप की संपत्ति पे था। पोप की संपत्ति पे टैक्स नहीं लिया जाता था। लगभग राज के एक चौथाई जमीन पोप के अंतर्गत था। जो भी पोप के गिरजाघर पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, उन लोगों के संपत्ति पे टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो राजा उन लोग से टैक्स वसूली के चक्कर में थे, जबकि पोप क्या करते थे, पोप राजा के विरुद्ध जो भी थे उनको पादरी वर्ग पे नियुक्त करता था। यानी राजा के विरोधियों को पोप पादरी वर्ग पे नियुक्त करता था। इसलिए पोप और पादरी वर्ग यानी राजा में विरोधी की भावना रहती थी, दोनों में टकराव होना स्वाभाविक था। तो नया व्यापारिक वर्ग के उदय के कारण एक केंद्रीय सत्ता महसूस हुई। लोग व्यापारी वर्ग में वही केंद्रीय सत्ता के लिए एक निरंकुश शासन का उदय हुआ। वही निरंकुश शासन का उदय होगा और पोप की सत्ता पे कुठारघात होगा, जिसके कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन जन्म लेगा, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, राज के गिरजाघरों में पादरियों की नियुक्ति पोप और राजा के संघर्ष के कारण मेन कारण बना।
16वीं शताब्दी में ज्यों ज्यों राष्ट्रीय राज्यों के शासक मजबूत हो रहे थे त्यों त्यों पोप का प्रभाव कम हो रहा था। राष्ट्रीय राज्यों का जैसे जैसे उदय होगा पोप का स्वाभाविक है कि कम होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राज्यों के उदय से लोग आधुनिक राज्य में ढलने लगेंगे। मध्यकालीन भावनाओं से आधुनिक युग में जैसे ही प्रवेश करेंगे पोप के मान्यताओं खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर देखिए ग्रामीण किसान जो चर्च को सामंत के साथ समझते थे, ठीक है, उन्होंने भी बेकारों और जो टैक्स था उससे छुटकारा चाहते थे। वही छुटकारा कारण ग्रामीण किसान ने लूथर को साथ दिया और एक लूथर नेता के रूप में उभरा जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व करता बना, ठीक है। हम लोग देखेंगे नैतिक कारण क्या कह रहे थे। पोप से संबंधित जो भी झगड़े थे उसके कारण पोप का नैतिक आचरण पतित हो गया, यानी नैतिक आचरण धीरे धीरे खत्म होने लगे, ठीक है। लोग सोचने लगे कि यह पद ईश्वर प्रदत्त नहीं है। जब आपस में पोप झगड़ा करने लगे अपने पद के लिए तो लोगों की भावना में आम आदमी जो थे वो सोचने लगे कि यह पद ईश्वर प्रदत्त नहीं है, क्योंकि आपस में लोग झगड़ा करने लग गए, यानी कोई न कोई इन लोगों में लालच होगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा जो पोप छठा अलेक्जेंडर थे और दसवां पोप लियो थे वो नैतिक रूप से भी भ्रष्ट थे, ठीक है। सभी धन जो भी पोप थे वो आचरण या नैतिक रूप से भ्रष्ट रहने के कारण सभी अपने अपने तरीके से धन इकट्ठा करने लगे। एक पोप ने लिखा रोम में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, यानी पैसा ही रोम में सब कुछ था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पोप एकदम पतित रूप में थे। पादरी जो थे वो क्षमा प्रदान यानी इंडल्जेंस द्वारा लोगों के पाप को प्रायश्चित करने लगा। पादरी क्षमा प्रदान भी करने लगा पैसा लेकर के। फिर जो भी विद्वान थे या धर्म विशेषज्ञ थे वो सब सोचने लगे पैसा लेकर के किसी के पाप को कैसे क्षमा किया जा सकता है, कैसे भगवान उसको माफ कर सकते हैं। तो ये सब पोप में पतित आचरण भरने लगा। लोग भी जो भी धर्म विशेषज्ञ थे या विद्वान थे वो पोप को समझने लगे एकदम पतित हैं, क्योंकि कोई भी ईश्वर पैसा लेकर के किसी की भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। वही आधुनिक युग में हो गया कि मोबाइल मेरा लगा हुआ है, चार्जर किसी और के मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो जब तक हम नहीं क्षमा मांगेंगे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। तो पोप क्या करते थे कि लोगों से जो भी पतित रूप में थे या जो भी पाप करते थे उनसे पैसा लेकर के और क्षमा प्रदान कर देते थे, ठीक है। तो ये भी एक धर्म सुधार आंदोलन मेन कारण बना। नेक्स्ट देखिए कैथोलिक चर्च में पादरियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। कैथोलिक चर्च में विवाह करने की अनुमति नहीं थी जिसके कारण पोप नैतिक रूप से पतित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट कारण हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। चूंकि पादरियों में विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लूथर ने बोला कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा पोप को क्यों पवित्र समझा जाए, क्यों उनको विवाह करने की अनुमति नहीं है। वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी विवाह कर सकते हैं, वो भी एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि कोई कारण ही नहीं है कि वो अविवाहित रहे और कोई कारण ही नहीं है कि उनको विशेष सुविधा दिया जाए, कोई कारण ही नहीं है कि उनको विशेष अदालत में सुनवाई किया जाए। ये लूथर वाद बोले जिसके कारण लोग लूथर की तरफ देखने लगे कि एक अच्छा नेतृत्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैथोलिक चर्च में सूद लेना तथा देना वर्जित था, किंतु लूथर ने इसे धर्म विरुद्ध नहीं माना। लूथर के ये स्वभाव कि धर्म विरुद्ध नहीं, कर्ज लेना और देना नहीं माना, जिसके कारण व्यापारी वर्ग किसान वर्ग सभी लूथर को समर्थन करने लगे, ठीक है। क्योंकि उस समय के डिमांड ही यही था। उसी समय देखिएगा औद्योगिक क्रांति उसके बाद होगी, उसके बाद होगा व्यापारी वर्ग का उदय होगा, व्यापारिक नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज होगी। तो उस समय होगा कि मुद्रा का जैसे ही प्रचलन होगा स्वाभाविक है कि व्यापारी वर्ग में सूद लेना और देना एक आम प्रचलन हो जाएगा।
तो ये सब लूथर की तरफ देखने लगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पादरियों द्वारा दी जाने वाली बाइबल की व्याख्या महत्वपूर्ण हो गए, जबकि लूथर के अनुसार बाइबल की व्याख्या अंतःकरण से करना चाहिए। लूथर बोला कि पादरियों के द्वारा बाइबल की शिक्षा देने एक महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन लूथर बोला कि बाइबल की जो भी व्याख्या है वो अंतःकरण से करना चाहिए, नहीं कि वो बाह कारण कोई हो सकता है या बाह कारण से हम उसको करें, बाह विचार से नहीं। अंतःकरण अगर शुद्ध रहेगा तो वो बाइबल की उच्चारण कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। लूथर के अनुसार पोप ईश्वर का दूत नहीं एक मनुष्य था। प्रोटेस्टेंट ने पोप के प्रभु सत्ता को नकार दिया, ठीक है, लूथर ने बिल्कुल प्रोटेस्टेंट की प्रभु सत्ता को नकार दिया। इन्होंने बोला कि ईश्वर की एक दूत नहीं, वो आम मनुष्य है, आम मनुष्य की तरह वो जिंदगी जी सकता है, ठीक है। कैथोलिक के अनुसार अनुष्ठानिक कर्मों एवं कर्म कांडों से पाप मुक्ति संभव नहीं, जबकि लूथर के अनुसार आंतरिक श्रद्धा एवं निजी विश्वास से ही पाप शुद्धि हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया सामाजिक कारण। कैथोलिक के अनुसार अनुष्ठानिक कर्मों एवं कर्म कांड से पाप से मुक्ति मिल सकता है, लेकिन लूथर ऐसा नहीं माना। फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। देखिएगा, पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय राज उस समय कायम हो चुके थे। राजा को सेना एवं प्रशासन चलाने के लिए एक धन की जरूरत थी। अधिक धन की जरूरत के कारण पोप के धन को वो हथियाना चाहें, राजा पोप के धन पे भी टैक्स या चर्च पे टैक्स लगाना चाहें, पोप के पास जो संपत्ति था उस पे टैक्स लगाना चाहें, जिसके कारण दोनों में टकराव स्वाभाविक था। पादरियों द्वारा वसूला पैसा रोम चला जाता था, उसमें कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, ठीक है, कर देने से भी वो मुक्त थे। राजा चर्च पर टैक्स, किंतु सूद लेना और देना पाप था। राजा तो टैक्स लगाना चाहते थे क्योंकि पादरी वर्ग में और पोप में सूद लेना और देना पाप था, इसलिए ये टकराव स्वाभाविक था। छोटे पादरी भी चर्च का विरोध करने लगे, क्योंकि एक पीटर पेंस नामक एक कानून बनाया था। उस कानून के अनुसार गांव और कस्बों में जो भी गिरजाघर थे उनसे भी दिया गया दान रोम चला जाता था। तो ये भी पीटर पेंस के तहत जो छोटे छोटे पादरी थे वो भी खिलाफ हो गए, क्योंकि असुला गया जो गांव और कस्बा से धन वसूला जाता था गिरजाघर से, वो भी रोम अंततः रोम ही चला जाता था, जिसके चलते छोटे पादरी भी इसके खिलाफ हो गए थे। चर्च के पास राज्य की 1/4 भूमि थी जो अथाह संपत्ति थी। राज्य के 1/4 भूमि यानी जमीन और अथाह संपत्ति रहने के बावजूद भी इन लोग कर देने से वंचित थे, और इन लोग विशेषाधिकार भी मिला हुआ था, और राजा को देख रहा हूं कि अधिक धन की आवश्यकता पड़ी। यूरोप में राष्ट्रीय राज कायम हो रहे थे, तो जिसके चलते इन लोग टैक्स लगाना जरूरी हो गया था, और एक निरंकुश राजतंत्र इसी में जन्म लिया। एक निरंकुश राज जन्म लेगा और जो भी पोप की संपत्ति है उसको अपने अधीन करके उसी को फिर आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फिर साधारण जनता तथा किसानों में असंतोष था। किसान चर्च के टैक्स से परेशान, वही पादरी सामंत प्रथा और कमियों के शोषण का समर्थन करते थे। जो पादरी वर्ग था शोषण का समर्थन करते थे और किसान टैक्स से परेशान थे, उन लोग से अलग अलग टैक्स वसूला जाता था। यहाँ तक किसान कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। वही विद्रोह को देखेगा कि जर्मनी के किसानों ने लूथर के नाम पर वहां पे विद्रोह कर दिया। लूथर के नाम पर जर्मनी में विद्रोह हो गए। अच्छी उपज होने पर भी टैक्स लिया जाता था, और विशेष जो अवसर रहता था उसपे भी किसानों से टैक्स लिया जाता था, जिससे किसान परेशान थे। कोई भी किसान ज्यादा उपजाएगा उसमें भी टैक्स, विशेष कोई भी अवसर हुआ तो उसमें भी टैक्स। तो लास्ट में देखिएगा, जो धर्म सुधार यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना वो 1517 ईस्वी में पोप लियो दसम
1517 ईस्वी में पोप लियो दसम था, वो क्या किया, संत पीटर के गिरजाघर के नवीकरण के लिए किसानों पर एक अलग टैक्स लगा दिया, और वही टैक्स अलग जो लगाया वही तत्कालीन कारण बना यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का। जो संत पीटर के गिरजाघर पर टैक्स लगाया गया वही तत्कालिक कारण बना और वही यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में लूथर की क्या भूमिका रही थी, काल्विन की क्या भूमिका रही थी और ज्वेंगली की क्या भूमिका रही थी, और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए या प्रभाव थे। ठीक है, तो अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ साथ सभी जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो फायदा उठा सकते हैं इससे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।